हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ही बैटर से तीन डिशेस, डोसा, अप्पे और इडली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक कप दाल लिया है सफ़ेद वाला और तीन कप चावल, कोई भी चावल ले सकते हैं सिवाय बासमती के। उसके बाद इसे अच्छे से धुल लिया है मैंने, फिर इसे चार से पाँच घंटे बिताया था, उसके बाद पीस लिया है। एक बड़े से बर्तन में बैटर को डाल दिया है। मैंने यहाँ पे आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा यूज़ किया है, आप चाहे तो ना कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा है। अगर आपका बैटर इस तरीके से सुबह ना हो, सुबह मतलब मैंने जैसे रात में बना के, मुझे सुबह बनाना रहता है इसलिए मैंने बैटर रात में बना लिया था, सुबह तक बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अगर आपका ना हो तो आप उसमें आधा टेबल स्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिए, सेम ऐसा ही बन जाएगा वो भी। देखिए कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। मैंने पानी और नमक डाल के इसका बैटर बना लिया अच्छे से। देखिए कितना अच्छी जाली आई है, गोल्डन। अगर आपको क्रिस्पी डोसा बनाना है नॉन स्टिक पे, तो आपको पैन पोछना नहीं है, डायरेक्ट उसी पे डाल देना है। देखिए कितना अच्छे से चिपक गया है, अब क्रिस्पी डोसा बनेगा। तवे को आपको पोछना नहीं है और ना ही उसमें पानी डालना है, बस एज इट इज उसमें दूसरा बैटर भी डाल देना है। अब थोड़ा सा तेल की बूंद, इसके बाद मैंने बनाया है इडली। इडली के लिए मैंने सांचे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद बैटर डाल दिया है। 10 से 15 मिनट में हो जाता है, इसमें पानी नहीं डालना बिल्कुल भी बैटर में। और ये मैंने मिनी इडली अभी बनाया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए। अब बनाएंगे हम अप्पे। मैंने 3 टेबल स्पून सूजी ले लिया है, उसमें एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई मिर्ची डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके नमक डाल के 15 मिनट रख देंगे हम थोड़ा फूलने के लिए। ये देखिए अब अप्पे मेकर में ये बैटर को हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा, एक साइड से गोल्डन होने के बाद इसे पलट देना है। और मैंने इसके साथ रेड चटनी भी बनाई थी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।